गाइज ये है स्क्रैम हिमालयन 411 एंड ये है इसकी की मेरे पास और आज हम करेंगे इसका रिव्यू। मैं रवि शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक और नई वीडियो में एंड शुरुआत करते हैं इसके रिव्यू का। सो गाइज की मिलती है हमें कुछ इस तरीके की, बेसिक सी है थोड़ी, बतानी यही वाली है कि ये टेस्ट राइड वाली की है शायद, मुझे नहीं पता। बाकी बात करते हैं बाइक की, फोकस नहीं ले रहा यार क्या करें। बाकी ये है इसका फ्रंट प्रोफाइल एंड सेम टू सेम हिमालयन का इंजन मिलता है इसमें और 411 सीसी का एंड सामने की हेडलाइट जो है सेम टू सेम उसी की तरह है। बाकी जो मडगार्ड है इसका थोड़ा सा बल्की लुक है और क्या कहते हैं शार्पनेस है, एजेस शार्प है थोड़ी और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का लेकिन प्लास्टिक मटेरियल है। और आगे जो मिलती है इसकी रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है, साथ में इंडिकेटर्स जो है इसके हाइलोजन वाले। रॉयल इनफील्ड को इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचना चाहिए बिकॉज सारी जो हैं कंपनियां वो LED इंडिकेटर्स दे रही हैं, बट अभी भी रॉयल इनफील्ड हिमालयन की बाइकों में या और कोई बाइकों में जो है वो हाइलोजन की जो इंडिकेटर्स दे रहा है। बाकी इसका ये है अपना, पहले की इग्निशन ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी ये जो है इसका इंस्ट्रूमेंटल कंट्रोल ये है सेम टू सेम बिल्कुल मीटियोर की तरह। साथ में यहाँ पे स्क्रैम 411 आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ब्रांडिंग मिलती है। साथ में इसके एक मीटर और छोटा सा जो आता है मीटियोर में भी अभी आ रहा है वो मिलता है, जिसे ट्रिपोमीटर के नाम से जानते हैं हम सब। और सेम टू सेम आप देख सकते हैं बिल्कुल हिमालयन की तरह है एंड यहाँ पे जो ग्राफिक है 411 की मिलती है और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड की बैजिंग है। सो गाइज इसके जो अंदर है वो सेंटर स्टैंड नहीं आता बिकॉज पता नहीं क्यों यार नहीं आता, इसमें सिर्फ सिंगल स्टैंड दिया हुआ है। एंड एडिशनली अगर आप लगवाना चाहते हैं इसके अंदर सेंटर स्टैंड तो लगवा सकते हैं क्योंकि बिकॉज इसमें जो सेंटर स्टैंड नहीं आता एंड एग्जॉस्ट जो है सेम टू सेम हिमालयन की तरह मिलता है। सो गाइज स्क्रैम 411 में जो आपको सीट मिलती है वो सिंगल मिलती है बिल्कुल, और जो हिमालयन है उसमें जो सीट आती है वो यहाँ से स्प्लिट आती है। एंड गाइज इसमें जो इसमें जो है बहुत सारे कलर जो है अवेलेबल है लेकिन अभी मुझे मिला यही, तो मैं इसलिए इसको टेस्ट राइड के लिए लेके आया हूँ। एंड अभी थोड़ी देर में आपको साउंड भी सुनाएंगे इसकी। एंड इसका जो टायर है मतलब व्हील जो है उसकी जो है साइज़ जो है वो कम किया गया है एंड फ्रंट का भी साइज़ कम किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा माइनर सा जो है चेंज आया है ग्राउंड क्लियरेंस में आप देख सकते हैं, एंड हिमालयन से थोड़ा बहुत चेंज है। एंड पीछे से जो लाइट है वो सेम टू सेम हिमालयन वाली ही मिलती है इसमें भी, बाकी पीछे जो है अपने वही हाइलोजन वाले इंडिकेटर हैं और साइड में बाकी यही है बाइक अपनी और बहुत ही अच्छी है। साथ में इसके जो है डुअल चैनल ABS आता है आगे और रेयर, दोनों डुअल चैनल ABS है। सो गाइज हिमालयन में जो है वो ABS जो है वो स्विचेबल है, इसमें जो है हिमालयन में जो ABS जो है हम स्विच बंद कर सकते हैं उसका, और जो स्क्रैम है उसमें ABS जो है स्विचेबल नहीं है। एंड मेन जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में वो जो अपना सेंटर स्टैंड है वो इसमें आता है, ये रखा इसका सेंटर स्टैंड, बट जो स्क्रैम है उसमें जो सेंटर स्टैंड है वो नहीं है। एंड इसका जो कॉकपिट व्यू है यार मतलब कि दिल छू लेता है, लगता है कि हाँ कोई ज़बरदस्त बाइक आप चला रहे हैं। एंड हाइट का मुझे अभी चलाई मैंने फ़र्क लगा मुझे। गाइस बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंटल कंसोल के बारे में, भाई ऑन होने पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। एंड यहाँ से इसको टॉगल कर सकते हैं इस वाले स्विच से, एंड मैं बताता हूँ इसको, यहाँ ट्रिप F पे है यानी कि जब ये गाड़ी रिजर्व में आएगी तो ट्रिप F पे आएगी, मतलब F का मतलब फ्यूल है। बाकी ये ऑडोमीटर है कितने किलोमीटर चली है 20.6, ये ट्रिप A ट्रिप B बस और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी बिल्कुल रॉ बाइक है कोई भी ऐसा कुछ नहीं है। बाकी चलाने में बहुत अच्छी है, एक बार आपको साउंड ज़रूर सुनाऊंगा मैं। तो कुछ इस तरीके का है इसका साउंड एंड आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी और बाइक भी मुझे लगता है कि पसंद आई होगी। सो जिस बंदे ने मतलब जिस शोरूम वालों ने हमें
प्रेफर करिए गाड़ी, थैंक यू उन सभी का। और ये है उनकी की चेन, एक बार लेनी हो तो बिल्कुल सही प्राइस में आपको मिल जाएगी। मैं यही कहूँगा कि एक बार टेस्ट राइड अगर आपको चाहिए हो तो आ सकते हैं इनकी शॉप पे, शोरूम पे। आई होप गाइज आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी, एंड अभी थोड़ी देर में आपको इसके सिनेमैटिक्स देखने को मिल जाएंगे। और सिनेमैटिक्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।